न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गौमाता एवं अन्य पशुओं के उपचार के लिए मिली पशु चलित इकाई की सौगात। बड़वानी जिले में 9 पशु चलित इकाई वाहन सहित खरगोन और अलीराजपुर के वाहनों को पशुपालन मंत्री द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया। अब एम्बुलेंस इंसानों के लिए नहीं गौमाता और अन्य पशुओं के लिए भी उपलब्ध होगी। दरअसल केंद्र राज्य सरकार द्वारा गौ सेवा एवं बीमार पशुओं के उपचार के लिए पशु चलित इकाई की सौगात प्रदेश में 406 वाहनों से सेवा दी जाएगी। आज पशु चिकित्सालय में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल द्वारा बड़वानी के 9 वाहनों, खरगोन के 6 वाहनों और अलीराजपुर के 6 वाहनों को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। वहीं गौशाला एवं निराश्रित गौमाता एवं अन्य पशुओं का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। वहीं पशु मालिकों को हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल कर ₹150 का शुल्क देकर उपचार वे करा सकेंगे। आज पशु चलित इकाई का शुभारंभ किया जा रहा है। देखो ये गाड़ी जो की गई है ये माता की सेवा करने के लिए की गई है। मध्य प्रदेश और भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को 406 गाड़ी दी गई है, बड़वानी जिले को 9 गाड़ी दी गई है। इसी प्रकार से खरगोन जिले को बड़वानी अलीराजपुर 5 के जिले है उनको हम हरी झंडी दिखाकर रवानगी कर रहे हैं कि वो अपने अपने विकास खंड में जाएंगे और जहां भी गौ माता की समस्या जो भी व्यक्ति नंबर दबाई है उस नंबर और उनको उनके गांव जाकर उनका इलाज करेंगे। इसलिए ये गाड़िया सरकार के द्वारा ड्राइवर डॉक्टर और एक हेल्पर साथ करेगा। वाहन में किस तरह की सुविधा रहेगी? वाहन में पूरी सुविधा दे रखी है, उसमें मशीने वगैरह सब लगी हुई है, डॉक्टर रहेगा, हेल्पर रहेगा और एक डॉक्टर भी रहेगा साथ में।